प्रिय छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर कहा जाए फिजिक्स का तो ये फर्स्ट चैप्टर हुआ। तो इस चैप्टर को मैंने इसी वीडियो में समाप्त कर दिया है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको 100% समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना कि भैया यहाँ यहाँ नहीं समझ में आया, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और ऐसा तो सवाल ही नहीं उठेगा कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए। चलिए स्टार्ट करते इस शानदार लेसन को। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि प्रकाश है क्या या प्रकाश किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफिनेशन में मैंने लिखा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आपसे मैं सवाल करूं कि भाई इस वस्तु को किसकी मदद से देख रहे हैं, तो आप कहोगे प्रकाश की मदद से हम देख रहे हैं। एक और सवाल कि अगर आपसे कोई भी इंसान पूछे कि क्या प्रकाश हमें दिखता है, तो इसका जवाब क्या दोगे? तो इसका सही आंसर होगा कि प्रकाश हमें दिखता नहीं है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये याद रखना। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये वस्तु है, हम इसको कैसे देख लेते हैं? वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस पर जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश टकरा करके हमारे आँखों पर पड़ती है, जिसकी वजह से हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये सब जो प्रकाश के परावर्तन में जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फिलहाल आप जान लीजिए कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को, दुनिया की किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, यानी गुणधर्म के बारे में। मतलब समझिए, यानी प्रकाश की जो क्वालिटी है, लाइट की जो क्वालिटी है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, मेरा गुण क्या है, तो मेरी पढ़ाने का गुण है ना, या मैं बदमाशी ज़्यादा करता हूँ, या बच्चों को ज़्यादा तंग करता हूँ, यानी कोई ना कोई मेरे अंदर जो गुण है, क्वालिटी है, वो आप बताओगे। ठीक उसी तरह जो प्रकाश के अंदर क्या गुण है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला लिखा गया है कि प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब देखो, हमेशा जैसे प्रकाश जो गमन करता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो जाता है वो हमेशा सीधा जाता है, ठीक है। जैसे टॉर्च ले लो, टॉर्च को अगर बारोगे ना तो वो क्या होगा, सीधा ही जाएगा। ऐसे बारो, ऐसे बारो, ऐसे बारो, मतलब जैसे भी बारो टॉर्च को, लेकिन उसका जो रोशनी होगा ना वो हमेशा सीधा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कि प्रकाश जो होती लाइट, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आइए अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में हमारे पास है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे पहला सवाल कि ये जो प्रकाश है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आप बोलोगे हाँ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे पढ़ते हैं, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। संचरण का मतलब यात्रा करना, माध्यम यानी रास्ता। जैसे प्रकाश है, लाइट है, क्या उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या उसे रास्ता की ज़रूरत पड़ती है, मार्ग की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना, वो कहीं भी गमन करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए उसे संचरण के लिए यानी कहीं भी जाने के लिए कोई भी माध्यम यानी कोई भी रास्ता की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आइए हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड में है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। जैसे अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जिसे आर पार देखा ना जा सके। अब ये वस्तु है, अगर मैं यहाँ पे आँख पे रख दूँ तो क्या आप हमारे आँख को देख पाओगे? नहीं, क्योंकि ये अपारदर्शी है। तो ये अपारदर्शी वस्तु जो है, इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या करता है, इसका छाया बनाता है। कैसे, जैसा कि देख लो यहाँ पे, देखो पीछे इसका छाया बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ प्रकाश जो आती पड़ी है, तो ये अपारदर्शी है, तो इसके आर पार तो प्रकाश नहीं जाएगा, बाकी जो बचेगा प्रकाश इसके आजू बाजू इर्द गिर्द से गुजर जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कि जो अपारदर्शी वस्तु होगी उसका क्या बनाएगा, छाया बनाएगा। जैसे देख लो, मेरे आर पार प्रकाश नहीं गया, तो मेरे पीछे देखो छाया बना होगा मेरा, कुछ दिखाई दे रहा है ना, समझ गए होंगे। आइए इसी तरह हम चौथा लेते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ये निर्वात क्या है? निर्वात बिल्कुल हवा की तरह ही होता है, ठीक है।
इसमें ज़्यादा मतलब कुछ ही डिफरेंट होता है निर्वात और हवा में, ठीक है। ओके दोस्तों, तो जो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आप कहिएगा कि निर्वात में होती है। अब कितना होता है तो यहाँ देख सकते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जाता है। आई होप कि इसके बारे में समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक करते चलना। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, बहुत छोटा सा डिफिनेशन है। जैसे कि कोई भी सतह है, कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ कहिए सतह कहिए दोनों एक ही बात है। कोई भी सतह हो या कोई भी पृष्ठ हो, और वहाँ से प्रकाश जब टकरा करके वापस जाता है ना, तो उसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही होता है टकरा करके वापस जाना, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, प्रकाश का परावर्तन किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो उस पर पॉलिश किया गया हो, ठोस वस्तु हो, ठीक है, तो किसी भी वस्तु से प्रकाश जब टकरा करके वापस आता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वस्तु है, अब ये देखो हम इस वस्तु को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश टकरा करके ना वापस हमारे आँख पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ परावर्तन हो रहा है, तभी हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। याद रखना, जब किसी भी वस्तु में अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु, दुनिया की किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते, इस बात को याद रखना। जैसे कि अगर किसी चीज़ में अपवर्तन होता है ना तो उस पार्ट को आप नहीं देख पाते हो। जैसे कि बड़े बड़े मॉल में वगैरह में देखिएगा, कांच शीशा जो होता है इतना क्लीन रहता है, अगर आप दूर से आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके पास जा रहे हैं, ध्यान नहीं अगर बारीकी से दे रहे हैं, तो आप उस शीशे से टकरा जाइएगा। शीशे से क्यों टकरा जाइए, क्योंकि वहाँ पे ना प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। जब परावर्तन नहीं होगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखेगा ही नहीं, वहाँ पे क्या होता है अपवर्तन, यानी आर पार चला जाता है। अगर कोई भी रोशनी आता है तो क्या होता है, कांच में आर पार जाता है, वहाँ टकरा करके नहीं आता वापस। अगर टकरा करके थोड़ा भी आया वापस तो हमें वो वस्तु दिखाई देगा, अगर नहीं टकरा के आया तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो अपवर्तन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो परावर्तन समझ गए ना कि किसी भी वस्तु से प्रकाश के टकराकर वापस आने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिय छात्र, अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश के परावर्तन के नियम। यदि अगर आपसे कोई भी इंसान पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप कहना भाई दो नियम हैं। कौन कौन नियम हैं, यहाँ लिखा गया है, और इन दोनों नियम को हम इस फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट नियम ये है और सेकेंड नियम ये है। इसको अभी आपको नहीं देखना है, यहाँ फिगर में पहले देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे कोई सतह है, ये नीचे क्या है हमारे पास सतह है। ये आपतित किरण जो जा रही है, प्रकाश की किरण जो यहाँ से जा रही है, तो जाने वाले किरण को आपतित किरण कह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, टकरा करके, यहाँ से देखिए टकरा करके वापस गया, तो टकरा करके जो वापस जाता है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके वापस गया उसे परावर्तित किरण कहेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो बीच में है ना, ये अभिलंब, जिसे लंब भी बोलते हैं मैथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास बीच में अभिलंब है, और यहाँ पे जहाँ पे मिलता है यहाँ पे क्या होता है आपतन बिंदु होता है, जहाँ पे सभी का मेल मिलाप हो रहा है वहाँ पे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। ये आई होता है आपतन कोण, आर होता है परावर्तन कोण, ये तो जान गए नाम। आइए अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला नियम समझाता हूँ। देखिए, बीच में अगर अभिलंब है, इसका मतलब जहाँ भी अभिलंब, जैसे मान लेते हैं मेरा बॉडी है, अब बीच में अभिलंब डालना यानी बीचे बीचे पूरा काट देगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या, अभिलंब। तो अभिलंब का मतलब क्या हुआ कि इस आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो पार्ट में बांट दिया, कितने पार्ट में, दो पार्ट में, और दोनों पार्ट क्या होगा समान समान होंगे, यानी बराबर बराबर। तो यहाँ पे देख सकते इस साइड है आई यानी आपतन कोण, और इस साइड क्या है आर परावर्तन कोण।
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में क्या अभिलंब, और अभिलंब क्या किया, इन दोनों को बराबर बराबर दूरी में बांट दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि हमेशा आपतन कोण और आर हमारे पास परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये अभिलंब बीच में बराबर बराबर में बांट दिया। तो पहला नियम निकल गया दोस्तों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। आपतन कोण यानी आई हुआ और परावर्तन कोण यानी आर हुआ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते जैसा कि फिगर में देखा। अब मैं आपको बताता हूं, जो आपतित किरण है, आपतित किरण और ये आपतन बिंदु, देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, एक ही तल है ना, ये पृष्ठ एक ही तल में है। देखिए आपतित किरण, ओके, आपतित किरण पर क्या है, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों क्या एक ही तल में है, है ना दोस्तों, समझ गए ना। ये हुआ सेकंड नियम, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि आपतित किरण, ये हमारे पास आपतित किरण है, तथा दर्पण के आपतन बिंदु, ये जो नीचे है ना, ये सतह जो आप देख रहे हैं, ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण, क्योंकि दर्पण से यहाँ टकरा रहा है, ठीक है, दर्पण है, ओके। तो आपतित किरण ये हो गया यहाँ कन्फर्म कि आपतित किरण है, और दर्पण के आपतन बिंदु, ये दर्पण है, दर्पण के यहाँ पे आपतन बिंदु पर अभिलंब, तो अभिलंब ये है हमारे पास अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण ये है, किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ये देखिए सभी टोटल के टोटल क्या है, एक ही तल में है। तो आप समझ गए ये दोनों नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ये किसका नियम है, दोनों प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो समझ गए होंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बोलना दो नियम, और लिखने के लिए कहा तो लिख देना ऐसे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। जैसा कि आप हैं और आपका जो छाया दिखाई दे रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि ये वस्तु है, वस्तु को हम बिंब कहते हैं फिजिक्स के भाषा में, ठीक है। तो ये बिंब है और पीछे छाया है, यानी प्रतिबिंब है, यानी बिंब का ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्रतिबिंब का मतलब छाया, फोटो, इमेज, ये सब बोलते हैं, समझ गए ना दोस्तों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यानी जो मेरा, जो मैं हूँ और मेरा जो छाया दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, जैसे प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखा गया है कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण, कौन सा किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण नहीं, परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती है या प्रतीत होती है, यानी दिखाई देती है, वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप तो समझ गए, फोटो, इमेज, छाया, ये सब क्या है, प्रतिबिंब ही तो है। तो प्रतिबिंब के जो प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा प्रतिबिंब के प्रकार। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है हमारा दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम, पहला जो प्रकार मैंने लिया, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं, जैसा कि डिफिनेशन लिखा गया कि जब किरणों के समूह, जब दर्पण से, यहाँ पे मैंने लिखा, जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी बहुत सारे किरणों के समूह दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पर आपस में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। इसे समझो, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक दर्पण बना करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये सब क्या, ये प्रकाश किरण है, समझिए, ये सब क्या है, प्रकाश किरण मैंने देखा, ठीक है। तो प्रकाश किरण क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से आएगा, ये भी टकराने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, इस इधर से जाएगा प्रकाश किरण, तो टकराने के बाद इस तरह से, ये भी प्रकाश किरण, टकराने के बाद इस तरह से, यानी जब बहुत सारे प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा ना, उसे हम कहेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए होंगे, पहला हमारा, ठीक है। आइए हम दूसरा, जो ये प्रतिबिंब का जो प्रकार है दूसरा, वो हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा आभासी प्रतिबिंब।
तो जैसा कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को हम किन किन नामों से जानते हैं। आभासी प्रतिबिंब को अवास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से हम इसको जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए दूसरा जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है इसका डिफिनेशन हम समझ लेते हैं, फिर हम वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों में क्या समझेंगे, अंतर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि लिखा गया है सबसे पहले डिफिनेशन हम पढ़ लेते हैं आभासी प्रतिबिंब का। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाशिक स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण वस्तु से टकराने के पश्चात केंद्रित न होकर केवल केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। यानी प्रकाशिक स्रोत, कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे प्रकाश की किरण, ठीक है, आने के बाद आपको क्या लगेगा कि दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर क्या होती है, प्रतीत होती दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में ये होगा नहीं, प्रतीत यानी आपको दिखाई नहीं देगा, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफिनेशन है, बस आपको नोट कर लेना है। अब जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो आप देख रहे हैं आभासी प्रतिबिंब जिसे हम अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, अवास्तविक प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब, इन दोनों में हम अंतर समझेंगे। तो आइए हम लिख लेते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब, यानी जैसे वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब को हम अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में आपको अंतर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में सदैव उल्टा बनता है, कहने का मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ना वो हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा क्या बनता है, उल्टा ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा यानी हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, याद रखना। ओके, और वास्तविक प्रतिबिंब को जो आप क्या कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना उसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो ये वास्तविक प्रतिबिंब जो हमें आप देख सकते हैं उसे क्या कर सकते हैं, यानी जो सचमुच का प्रतिबिंब है हमें से, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, कल्पना कर लो कि जैसे कि भूत का आत्मा, तो क्या आत्मा को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, नहीं। ठीक है, याद रखना। और तीसरा, आप देख सकते हैं यह दर्पण के बाईं ओर बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना यह दर्पण के कहाँ बनता है, तो बाईं ओर बनता है, इस बात को ध्यान रखना। और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। अब यह दर्पण के पीछे कैसे बनता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि दर्पण जो होता है ना, मिरर, तो उसके पीछे प्लेन होता है, यानी पेंट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो उस पॉलिश के पीछे आपका जो मिरर है ना, यानी फोटो जो है ना वो बनता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर पेंट को हटा देंगे ना तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, याद रखना। ओके, अब यहाँ पे देख लो तीसरा, यह दर्पण के, हाँ ये तो हो गया। चौथा, आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस, कहने का मतलब वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में बनता है, याद रखना। और आभासी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, देख लो, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल लेंस, इन सभी में बनता है। तो आप समझ गए होंगे इस अंतर को, तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके प्रिय छात्रों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। यहां पे मैंने एक समतल दर्पण बना करके रखा हुआ है, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लाइन खींचा हुआ है, प्लेन सर्किट खींचा हुआ है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे ये आने वाली प्रकाश की किरण है, ये क्या है हमारे पास, आने वाली प्रकाश की किरण है। ओके, और यहां पे जैसे कि आई यानी आने वाली आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, आई और आर आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, पीछे कि आई हमारा आपतन कोण, आर हमारा परावर्तन कोण, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए भी हमारे पास, ये मैंने लिया वस्तु, वस्तु यानी प्रतिबिंब है ना, बिंब कहिए, वस्तु यानी बिंब। ओके, वस्तु का मतलब क्या होता है, बिंब। ओके, फिजिक्स की भाषा में इसको बिंब बोलते हैं। तो ए भी हमारे पास बिंब है और ए डैश बी डैश ये बिंब का प्रतिबिंब है यानी छाया है, ठीक है। और यहाँ पे U देख रहे हैं, U क्या होता है, U जो होता है ना वस्तु की दूरी होती है यानी बिंब की दूरी होती है, और V जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, याद रखना। U क्या होता है, ये होता है बिंब की दूरी और ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी बिंब के प्रतिबिंब की दूरी होता है V, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि आभासी एवं सीधा, यानी जो समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है ना वो हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रिय छात्रों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड हमारे पास है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि वस्तु यानी बिंब है, तो यहाँ पे ए भी क्या हमारे पास बिंब का आकार है, क्या बिंब का आकार है, तो इस बिंब का प्रतिबिंब यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, ये प्रतिबिंब यानी छाया है। तो ये देखिए जितना इसका अगर 5 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर लंबाई होगा। यहाँ पे मान लेते कोई मनुष्य है 10 फीट का तो होता नहीं है, मान लेते 5 फीट 6 फीट का, तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा क्या इस दर्पण में 6 फीट ही बनेगा। इसीलिए मैंने लिखा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना इसका बिंब का आकार होगा उसी तरह इसका प्रतिबिंब का आकार होगा, उतना ही साइज का, ठीक है। थर्ड हमारे पास है प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु दर्पण के पीछे होता है, दर्पण जितने दर्पण दूर होता है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि समतल दर्पण है, अब समतल दर्पण से जितना दूर वस्तु रखा जाएगा उतना ही दूर यानी उतना ही पीछे दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर दूर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना दर्पण के पीछे वो 10 सेंटीमीटर ही दूर बनेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए इसी तरह अगला हमारे पास है चौथा में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब उल्टा, जैसे कि उल्टा मतलब देखिए जैसे कि मैं आईना में देखता हूँ प्रतिबिंब में, ठीक है, तो हमारा जो दाहिना हाथ होगा ना वो बायां नजर आएगा उसमें, और जो बायां हाथ होगा ना उसमें दायां नजर आएगा, इस बात को ध्यान, यानी लेफ्ट हैंड जो होगा वो राइट हैंड नजर आएगा और जो राइट हैंड होगा ना वो लेफ्ट हैंड नजर आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप इसे समझ गए होंगे, आप इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण बहुत आसान है समझना। देखिए गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की तरफ वक्रित हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये समझ में नहीं आई होगी, आइए दोस्तों मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। जैसा कि लिखा गया है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग उस गोले का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ यानी प्लेन सतह, परावर्तक पृष्ठ कहाँ मतलब प्लेन जहाँ से प्रकाश टकरा जाए उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है, यानी प्लेन सतह, ओके। परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित, वक्रित यानी मुड़ा हुआ, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से ही कट करके निकलता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बीच में जो यहाँ पे मैंने गाढ़ा कलर के खींचा यहाँ पे प्लेन यहाँ पीछे से, तो ये है परावर्तक पृष्ठ और ऊपर से क्या खुरदुरा है आप देख सकते हैं ना, ऊपर से खुरदुरा और नीचे से यहाँ अंदर से क्या है प्लेन सर्किट है। कहने का मतलब ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो प्लेन नज़र आ रहे हैं ना अंदर से, यह है परावर्तक पृष्ठ। तो इसमें देखो परावर्तक पृष्ठ क्या है, इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे, तो अवतल दर्पण वह कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो और बाहर से खुरदुरा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखना। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जो बाहर की तरफ, देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है वक्रित है, यानी ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना बाहर की तरफ धंसा है, अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ धंसा हो और अंदर से खुरदुरा हो, उसे हम क्या कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। आप समझ गए ना। आइए दोस्तों अब हम बारी बारी से हम समझते हैं सभी के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी जब गोलीय दर्पण हम बनाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी शब्द के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये राउंड राउंड कोरोना वायरस बन चुका है, मुझे तो बनाने ही नहीं आता, क्या कीजिएगा आप हमसे अच्छा बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये गोला है, आपको पता ही होगा, ठीक है, और ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष, या इसे आप प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए दोनों चलेगा।
ठीक है। तो ये सीधी लाइन देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है, और मैं आपको बता दूं यहाँ बीच में जो सी देख रहे हैं ये केंद्र है यानी वक्रता केंद्र है। ये एफ आप देख रहे हैं ये हमारे पास मुख्य फोकस है, और यहाँ पे जो एफ देख रहे हैं स्मॉल इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, और ये जो आर देख रहे हैं ये वक्रता त्रिज्या, और ये पी देख रहे हैं ये दर्पण का ध्रुव, और ये एम और एन ये होता है द्वारक, ठीक है। तो इन सभी के बारे में तो जान तो लिए फटाक से, लेकिन इस सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये मुख्य अक्ष जो आप देख रहे हैं ये किसे कहते हैं। तो जैसा कि जानते हैं प्रिय छात्रों कि मुख्य अक्ष यहाँ पे लिखा गया, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, बहुत आसान है, इसी में सब कुछ छिपा है, कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण का ये जो दर्पण का ध्रुव है, जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का ध्रुव यहाँ P जो आप देख रहे हैं ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र है ना, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। आप लिख लेना, नोट कर लो कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे या प्रधान अक्ष कहेंगे। ओके गाइस, आइए अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के। तो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र है, सॉरी, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, बहुत आसान है। ये जो गोलीय दर्पण देख रहे हैं ना, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले की जो केंद्र है ना, उस गोले का जो केंद्र होता है उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। नोट करना कैसे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं डिफिनेशन में, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वही लिखना कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बहुत आसान है ना। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी कुछ नहीं, आपको क्या है, देखो यहाँ पे जैसे कि ये वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु तक फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या का क्या है, ये मतलब ये फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या क्या दुगुना है। तो इसे एक सूत्र निकलता है कि एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर यानी फोकस दूरी बराबर, तो एफ बराबर होगा आर बाई टू, ठीक है, ये सूत्र हुआ, ठीक है, यहीं से हमारा निकला है बराबर आर बाई टू। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे एक छिपा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आर से वन में गुना करेंगे तो आर बराबर एफ से दो में गुना करेंगे तो 2f। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वक्रता त्रिज्या है क्या हो गया, f का दुगुना, यहाँ पे f यहाँ 2f है तो ये r अकेला है, तो इसका क्या हो गया दुगुना। तो r बराबर 2f बोलिए या f बराबर r बाई टू बोलिए, ठीक है, यही हमारे पास है। अब मैं आपको बताऊंगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो बारीकी से लिख लेना कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का प्रावर्तक पृष्ठ, ये जैसे कि गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का ये हमारे पास प्रावर्तक पृष्ठ है, तो ये जो प्रावर्तक पृष्ठ है इसी प्रावर्तक पृष्ठ के ये जो आप केंद्र देख रहे हैं बीचों बीच, इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर आपसे पूछा कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये जो प्रावर्तक पृष्ठ है ना, तो गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे पी से प्रेजेंट करते हैं, किसे पी से प्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमएन के बारे में। एमएन जो होता है ना वो द्वारक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, द्वारक होता है। तो एमएन जो द्वारक होता है, तो सवाल ये उठता है कि द्वारक किसे कहते हैं, तो ये जो गोलीय दर्पण देख रहे हैं ना, तो गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के सीमा रेखा, प्रावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के सीमा रेखा के व्यास को ही, तो व्यास यहां से ऐसे घूमेगा कि व्यास को ही क्या कहते हैं, तो हम ये द्वारक कहते हैं, ठीक है। और द्वारक को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एमएन से प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इस तरह से लिखना, आप नोट कर लो कि गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के सीमा रेखा का ये जो व्यास है उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, और इसे एमएन से प्रेजेंट करते हैं।
तो ये मैंने सभी बात इसमें मैंने आपको बता दिया। अगर आप समझ गए होंगे तो लाइक करना, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के प्रयोग के बारे में, और भी बारीकी से। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका प्रयोग जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते रहते हैं। तो आइए मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, पहला स्टेप आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण के प्रयोग में, यानी यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हमारे पास देख रहे हैं, लिखा गया कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, इसका मतलब साइड व्यू मिरर्स, ठीक है। तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब वाहन यानी गाड़ी, तो गाड़ी के जो दोनों साइड देखेंगे किनारों पर, तो हमारे पास उत्तल दर्पण का उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर सवाल यह उठता है कि भाई हम उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते क्यों हैं, तो क्यों करते हैं, इसके लिए यहाँ पे नीचे मैंने कारण लिखा, वो पढ़ लीजिए। लिखा गया क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा तथा छोटा कह सकते हैं इसके, ठीक है। क्योंकि यह सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब मतलब छाया होता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है। इससे ड्राइवर क्या करता है, पीछे से आ रही वाहनों को देख पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिखा गया है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वाहन के अंदर चालक के पास वाहन के ठीक पीछे देखने के लिए एक सामान्यतः समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि रियर व्यू मिरर क्या है जिसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं ये हमारे पास रियर व्यू मिरर है, ठीक है दोस्तों। इसको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं और इसमें समतल दर्पण सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण से क्या करता है ड्राइवर, अपने पीछे के जितने भी पैसेंजर बैठे होते हैं उनकी जो करतूती होती है, गाली गलौज करते रहते, बारात जाते हैं तो देखते ना गाली गलौज करते रहते, तो ड्राइवर देखता रहता है उसमें से क्या वो कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस मिरर से पता लगा सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पे देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, लिखा गया है कि जबकि बाहर की ओर दोनों किनारों पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि बाहर के मतलब वाहन जो होता है उनके दोनों किनारों पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं साइड व्यू मिरर कहते हैं। आइए इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है कि सड़कों के अंधे मोड़ों यानी ब्लाइंड टर्न्स पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि भाई सड़कों के अंधे मोड़ यानी ब्लाइंड टर्न्स क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं और नीचे जो इमेज में येलो कलर का जो लाइन देख रहे हैं, ये हमारा होता है ब्लाइंड टर्न्स। और इसके अतिरिक्त इसमें तो भाई किया जाता है प्रयोग उत्तल दर्पण का, तो इसके रेखा में प्रयोग किया जाता है, जो इमेज आप देख रहे हैं उसमें प्रयोग किया जाता है नहीं। कई बार आप हाईवे पे जाते हैं तो आप देखिए दोनों छोर पर यानी जिस रास्ते से जाते हैं उनके दोनों छोरों पर यानी दोनों किनारों पर कुछ इस तरह की गिट्टी लगी होती है, जैसे कि छोटा छोटा सा बीट लगा रहता है और वो काफ़ी चमकदार होता है। जब अंधेरे में कोई भी इंसान गाड़ी लेकर के जाता है तो हमेशा वो चमकता रहता है, उसमें क्या होता है दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो भी उत्तल दर्पण का। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह अब आइए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब प्रिय छात्रों यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, लिखा गया कि स्ट्रीट लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब भाई ये सवाल ये उठता है कि स्ट्रीट लैंप क्या होता है, तो स्ट्रीट लैंप आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे जो सड़क पे लगे रहते हैं स्ट्रीट लैंप बहुत सारे कुछ दूर पर लगे रहते हैं हमेशा, तो ये जो स्ट्रीट लैंप होता है इस लैंप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये अपना उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई पूछे कि भाई स्ट्रीट लैंप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अच्छा है, क्यों हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि ये क्या करता है, जो इसका क्षेत्र जो होता है, ये जो अगर लगा देते हैं इस लैंप में, अगर स्ट्रीट लैंप में उत्तल दर्पण लगा देते हैं, तो ये क्या करता है रोशनी को फैला देता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना, ओके दोस्तों, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए हम इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग, यानी यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनक्यू मिरर, ठीक है दोस्तों।
तो अवतल दर्पण का प्रयोग समझ लीजिए और उत्तल दर्पण का प्रयोग समझ लिए, ठीक है दोस्तों। अगर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग समझ जाएंगे तो इसमें हम अंतर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका स्टेप देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम सामान्यतः किसमें प्रयोग करते हैं, टॉर्च, ठीक है, सर्च लाइट एवं वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कि इसे सेविंग दर्पण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कहा जाए, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, तो आप कहोगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया कि दंत विशेषज्ञ यानी दंतिस्ट जो लोग होते हैं, दांत को देखने वाले लोग होते हैं, वो क्या करता है, दंतिस्ट द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यदि किसी के दांत में प्रॉब्लम हो गया तो दांत के जो डॉक्टर होते हैं यानी दंतिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करके उस दांत का बड़ा प्रतिबिंब देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कहा जाए कि दंतिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं लिखा गया कि सौर भट्टी यानी सोलर फ्रांस में सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है, जैसे सोलर भट्टी होता है, सोलर सिस्टम आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें भी क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करता है, अपने ओर खींचता है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दर्पण सूत्र के बारे में, यानी दर्पण सूत्र किन किन राशियों से मिलकर के बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये क्या है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। बहुत आसानी से समझिए दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है, और कैसे निर्माण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण, जैसा कि मैं आपको पीछे बताया था गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण मैं यहाँ बना लूँ क्या, तो पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में इसके ध्रुव बिंब की दूरी, जो बिंब यानी वस्तु, बिंब की दूरी मतलब क्या हुआ, वस्तु की दूरी, वस्तु को दूरी को हम यू कहते हैं, क्या बोलते हैं, यू, याद रखना, बिंब की दूरी यानी यू, ओके। तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मतलब छाया, तो छाया की दूरी को हम वी कहते हैं, ठीक है। बिंब की दूरी को यू से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी से वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। एवं ध्रुव, ध्रुव को हम पी से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी क्या है, एफ, एफ कहलाती है ना, एफ से प्रेजेंट करते हैं, तो मुख्य फोकस की दूरी एफ कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है। मतलब V, ओके, और U और F, इन तीनों राशियों के संबंध को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वन अपॉन F इक्वल क्या है, वन अपॉन V प्लस वन अपॉन U, ये हमारे पास दर्पण सूत्र है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि U क्या है, V क्या है, F क्या है, आपको किस में बताया था मैंने, तो गोलीय दर्पण में बता दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से निर्माण होता है, इन तीन राशियों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, दर्पण सूत्र का निर्माण होता है। और दर्पण सूत्र का फॉर्मूला ही याद रखना, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। अच्छा, इसी में मैं आपको बता दूं कि लेंस सूत्र आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा, यहाँ जो प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, तो ये इसको हम लेंस सूत्र बोलेंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप इसके बारे में बहुत आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ डिफिनेशन जो लिखा गया है उसको पहले आप देख लीजिए। डिफिनेशन लिखा गया है, वह अपेक्षित विस्तार, ठीक है, जिससे यह ज्ञात हो कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो जानते ही है छाया, तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित, आवर्धित का मतलब है बड़ा, कितना आवर्धित यानी कितना बड़ा है, गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है।
ठीक है। अब ये आवर्धन को हम m से प्रेजेंट करते हैं, किसे m से प्रेजेंट करते हैं, तो m बराबर सूत्र क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो m बराबर h डैश बट्टे h होता है। ये जो h डैश को हम लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h को लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई। याद रखना इसका एक और सूत्र होता है m बराबर v अपॉन u, ठीक है। तो v हमारे पास क्या है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, तो ये बिंब की दूरी है, ठीक है। v हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी और u हमारे पास बिंब की दूरी, याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो बिंब की दूरी मतलब बिंब हुआ वस्तु की दूरी, और v प्रतिबिंब की दूरी मतलब समझ रहे, प्रतिबिंब की दूरी उनकी छाया की दूरी, ठीक है, याद रखना। इसी तरह अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, प्रिय छात्रों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम आपको समझाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जैसा कि डिफिनेशन यहाँ लिखा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करते हैं तो यह दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से भटक जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कि कांच है और वायु है, वायु एक अलग माध्यम हो गया, कांच एक अलग माध्यम हो गया, जैसे कि सघन माध्यम विरल माध्यम होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रकाश क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो ये प्रकाश की जो रोशनी होती है ना, लाइट जो होती है ना, वो जैसे जाना चाहिए ना वैसे नहीं जाता, वो इधर उधर भटक जाएगा। मान लेते हैं कि हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं, समझो कि मेरे लिए दो रास्ते हैं, कि एक रास्ते से जा रहे हैं और दूसरे रास्ते में ही जाते अपना रास्ता भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, खो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रकाश में होता है कि एक माध्यम से जा रहा तिरसा और किसी दूसरे माध्यम में गया कि बस वो अपना रास्ता ही भूल जाता है बेचारा, ये कहीं और भाग जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपना रास्ता भटक जाता है, जाना कहीं और तो चला जाता है कहीं और। तो इन सभी को हम फिगर के माध्यम से कांच में समझेंगे। तो मैंने तो यहाँ फिर डिफिनेशन लिखा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, यानी माध्यम यानी रास्ता, माध्यम का मतलब रास्ता, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या तिरछी प्रवेश करता है, यहाँ पे मैंने लिखा तिरछी प्रवेश करता है, तो यह दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से भटक जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस ये डिफिनेशन है, ठीक है दोस्तों। अब जो प्रिय छात्रों, अब मैं बताऊंगा आपको कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसका कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मैं बताने वाला हूं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कारण किसके, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह अपवर्तन कैसे होता है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है आप बताओ, तो आप बोलना कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण विभिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होना। पारदर्शी माध्यम का मतलब रास्ता होता है, और पारदर्शी का मतलब होता है कि जिसके अंदर प्रकाश आर पार जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम, या जिसके अंदर हमारा जो आंख है ना, जिसके आर पार देख सके या प्रकाश जा सके, उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। इसी में आता है एक अपारदर्शी माध्यम, तो अपारदर्शी माध्यम क्या किसे कहते हैं, जिसके अंदर प्रकाश आर पार, मतलब जिसके अंदर, मतलब ये यूं कहो कि जिसके आर पार देखा ना जा सके या जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश ना कर सके, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, समझ गए। तो ये तो कारण था, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण बताओ, तो कहना कि भाई जो प्रकाश की चाल होती है ना, अलग अलग मार्ग में क्या होता है, अलग अलग चाल होते हैं, कैसे, जैसे पानी में प्रकाश की चाल कुछ और, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और। अब ये क्यों, ये होता है अपवर्तनांक के कारण। अब ये अपवर्तनांक क्या है, जो मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मान लो कि अगर खुला फील्ड जो हमारा है पूरा, इंसान कोई नहीं हुआ, तो आप जितनी तेजी से दौड़ लोगे, लेकिन उसी इंसान को कहा जाए कि भीड़ में दौड़ो, तो क्या जितना तेजी से फील्ड में दौड़ेगा उतना तेजी से क्या वो भीड़ में दौड़ पाएगा इंसान, नहीं। तो उसी तरह इसमें भी होता है, कांच में भी, कि कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो वो उसका मतलब भीड़ ज़्यादा हुआ, और पानी का अपवर्तनांक कम हुआ तो भीड़ कम हुआ। तो जहाँ जहाँ अपवर्तनांक ज़्यादा होगा
तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और जिसमें प्रकाश यानी अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो सब मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये तो आप समझ गए। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने बोला था कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से क्या होता है, भटक जाता है, रास्ता खो देता है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था ना कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, भटक जाता है अपने मार्ग से, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले कांच के स्लैब में आपको समझाते हैं। जैसा कि ये M और N, ये जो देख रहे हैं ये अभिलंब है, यहाँ M डैश और N डैश ये भी अभिलंब है, और ये जो कांच है ना, कांच हमारा सघन माध्यम होता है। क्या होता है, सघन माध्यम, और चारों साइड वायु है, वायु को हम विरल माध्यम कहेंगे। ये कांच के अंदर ये सब क्या है, सघन माध्यम, और जो कांच के बाहर जितना भी हवा है उसे हम वायु यानी विरल माध्यम कहेंगे। वायु को विरल माध्यम कहेंगे और कांच को सघन माध्यम कहेंगे। अब देखिए ये जो है ना, ये किरण है, प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण। ठीक है, जब प्रकाश की किरण पहले क्या, विरल माध्यम में है ना, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में प्रवेश करती है, सघन माध्यम यानी कांच में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, ये जो है ना, ये प्रकाश की किरण अभिलंब, ये बीच में अभिलंब, अभिलंब की निकट आ जाती है यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए जाना चाहिए ऐसे, और ये जो किरण है प्रकाश की इस साइड यानी ये जो अभिलंब है ना, इस साइड ये झुक गया। ठीक है, तो याद रखना, जब अगर आपसे कोई पूछे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है यानी प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ जाता है, तो याद रखना अभिलंब के निकट मुड़ जाता है, याद रखना अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। ठीक है, और यही किरण, जो किरण है ना आपतित किरण जो आने वाली, अगर आपतित किरण यही क्या है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी फिर हवा में जाता है, विरल माध्यम में बाहर निकलता है, विरल माध्यम में जाता है ना, तो ये अभिलंब से क्या गया, दूर चला गया। देखिए इस किरण को कहाँ आने चाहिए, इस लाइन में, ये जो डॉट डॉट मैंने लिखा यहाँ पे आना चाहिए, और ये कहाँ भाग गया, दूर भाग गया, यह अभिलंब से दूर चला गया था। दो टॉपिक है याद रखना, जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण कहाँ मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, और यही प्रकाश की किरण कहाँ, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, जाना चाहिए इधर और भाग गया उधर। प्रिय छात्रों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ अपवर्तन के नियम के बारे में यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं, दोनों मैंने बता दिया था, और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं, और दोनों नियम आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करें, पृथक का मतलब अलग। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है, जो आने वाली प्रकाश की जो किरण होती है आपतित किरण, और अपवर्तित किरण क्या होता है, ये किसी माध्यम से गुजरा हुआ, ठीक है, गुजर करके आता है, उसे आपतित किरण कहते हैं, तथा दोनों माध्यमों को पृथक यानी पृथक का मतलब अलग, अलग करने वाले पृष्ठ यानी सतह के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये अपवर्तन के नियम है पहला, यानी प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। दूसरा हमारे पास नियम है कि आपतन कोण की ज्या को अंग्रेजी में साइन बोलते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अनुपात स्थिर होता है, और यह नियम जो होता है ना, ये दूसरा नियम हुआ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर, आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है, तो ये हमारा अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, और इस नियम को हम स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, तो आप आसानी से आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन या आप क्लियर हो गया। आइए इसी तरह अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण आप समझ लीजिए कि पहला दिया गया, जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब दिखाई, वास्तविक यानी सचमुच। जैसे कि मान लेते हैं बाल्टी हो गया,
कोई भी चीज़ ऐसे जो भरे, यानी कोई बर्तन हो, और बर्तन को पूरा पानी से भर दो और उसको सामने से देखोगे ना तो उसका जो पेंदी नीचे वाला ऊपर नज़र आएगा, ऊपर हुआ उठा नज़र आएगा, ये होता है। तो ये किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। दूसरा, पानी से भरे कांच के ग्लास में नींबू बड़ा दिखता है। अब जैसे कांच होता है, कांच का ग्लास पूरा भर दो और उसमें नींबू डाल दो और उसको देखोगे ना तो बड़ा दिखेगा। लेकिन कैसे देखना है, देखने का भी तरीका होता है। आप ये नहीं कि पानी भर दो और सामने से देखो तो वो जैसा वैसा ही दिखाई देगा, उसको साइड से देखो, साइड से जब देखोगे ना तो वो बड़ा नींबू दिखाई देगा, यानी वो अपने जैसा है ना, तो उससे क्या होगा कि नींबू बड़ा साइज दिखाई देगा आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि नींबू इतना बड़ा है तो वो इतना बड़ा दिखाई देगा, है ना, साइड से देखने पर, मतलब वास्तविक आकार से वो बड़ा दिखाई देगा। ओके, तो ये कुछ उदाहरण थे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ लेंस के बारे में। तो लेंस की पूरी जानकारी हम बताएंगे, लेंस का निर्माण कैसे कहते हैं वो सब बताएंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ लिखा गया लेंस। अब लेंस का डिफिनेशन समझिए, लिखा गया कि दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। तो दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सतह क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, यानी पहला भी सतह या फिर दूसरा, यानी दोनों सतह, या तो कोई एक सतह गोलीय हो या फिर दोनों सतह गोलीय हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि लेंस के दो टाइप होते हैं, एक अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उत्तल लेंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। मेन जो मुख्य रूप से आता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव, सॉरी ये है कॉनकेव लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवतल लेंस को हम किन किन नामों से जानते हैं। अवतल लेंस को हम द्वि अवतल लेंस तथा उभयावतल लेंस, देखिए द्वि अवतल लेंस या फिर उभयावतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारित लेंस भी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस को हम द्वि उत्तल लेंस कहते हैं और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो कहना अवतल लेंस वह कहलाता है जिसका दोनों पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। यहाँ पे देखो ये पृष्ठ यानी सतह, तो दोनों पृष्ठ क्या अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे अवतल लेंस, याद रखना। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस वह कहलाता है या उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसका दोनों पृष्ठ जो है ना बाहर की तरफ क्या हो, मुड़ा हो या बाहर की तरफ वक्रित हो, निकला हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप समझ गए उत्तल लेंस और द्वित्तल लेंस। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस से जो जो मिल करके लेंस बनते हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे जो बहुत सारे लेंस होते हैं, जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों के मेल से और भी लेंस का निर्माण होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बताएंगे आपको लेंस जो होता है ना, तो कई प्रकार के जो लेंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से बनते हैं, यानी कौन कौन लेंस मिल करके किस लेंस का निर्माण करते वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेंस है, इसे हम कहते हैं द्वि उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस कहते हैं, और इसका जो दोनों पृष्ठ होता है ना, ये दोनों पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है। ये जो लेंस होता है ना, ये द्वि उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस होता है, लेकिन ये जो लेंस होता है ना आपका उत्तल लेंस से बना होता है, यानी दोनों पृष्ठ वक्रित होता है, बाहर की तरफ मुड़ा होता है, उत्तल लेंस से बना होता है, इसीलिए मैं इसे क्या बोलता हूँ, द्वि उत्तल लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समतो उत्तल लेंस क्या है, समतो उत्तल लेंस आप देख सकते हैं। तो समतो उत्तल लेंस किस किस लेंस से मिलकर के बनता है, तो इसका आप देख सकते हैं एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है, यानी एक पृष्ठ इसका उत्तल होगा और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा। इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, समतो उत्तल लेंस। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ अवतो उत्तल लेंस के बारे में। तो अवतो उत्तल लेंस किन किन से मिलकर के बनता है, ये जो आप देख रहे हैं अवतो उत्तल लेंस किन किन से मिलकर के बनता है, तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ देखिए एक पृष्ठ उत्तल होता है, यानी एक पृष्ठ जो होता है इसका सतह जो होता है उत्तल, तथा दूसरा पृष्ठ होता है अवतल, यानी उत्तल और अवतल लेंस से मिलकर के क्या बनता है, अवतो उत्तल लेंस बनता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है उभयावतल लेंस। क्या है, उभयावतल लेंस। तो उभयावतल लेंस हमारा किन किन लेंस से मिलकर के बनता है, तो ये जो बनता है दोनों पृष्ठ अवतल,
कहने का मतलब ये जो उभिया उत्तल लेंस जो होता है ये अवतल लेंस से मिलकर के बना होता है, यानी दोनों पीसीज का अवतल ही होगा। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं समता समत समतलावत्तल लेंस। समतलावत्तल लेंस किन किन से मिलकर के बनता है? तो ये बनता है एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल, यानी समतल और अवतल लेंस से मिलकर के बनता है समतालवत्तल लेंस। अगर आपसे पूछेगा कि समत, ये समता मैंने पढ़ा, समतलावत्तल लेंस किन किन से मिलकर के बनता है, तो ये बनता है समतल लेंस तथा दूसरा अवतल लेंस से मिलकर के बनता है। अब हम बात करते हैं उत्तलावत्तल लेंस, ठीक है? तो उत्तला जो अवतल लेंस जो होता है ये किन किन लेंस से मिलकर के बनता है? तो ये जो बनता है लेंस अवतल तथा उत्तल लेंस से मिलकर के बनता है, ठीक है? तो इस बात को याद रखना। ओके, आइए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब जो मैं बताने वाला हूँ लेंस का उपयोग के बारे में, तो लेंस के उपयोग के बारे में जानने से पहले इसका सूत्र देख लीजिए। लेंस का उपयोग, इसका जो सूत्र पहले देखिए, लेंस का सूत्र क्या आता है, 1/f बराबर क्या होते हैं, 1/v माइनस 1/u। एफ हमारा आपको पता होगा कि फोकस दूरी होता है, यानी फोकल लेंथ होता है, और वी हमारा क्या होता है, तो बिंब की दूरी, और यू होता है, सॉरी, वी जो होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, और यू जो होता है वस्तु की दूरी, यानी बिंब की दूरी, याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पे इसका उपयोग देख लीजिए। उपयोग जो हमारे पास दिया गया है कि अलग अलग प्रकाशिक यंत्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी लेंस का जो प्रयोग होता है अलग अलग प्रकाशिक यंत्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दूरबीन हो गया, चश्मा हो गया, है ना, माइक्रोस्कोप हो गया, तो उन सभी में लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? दूसरा हमारे पास है आवर्धन ग्लास, उत्तल लेंस का बना होता है, यानी आवर्धन ग्लास जो होता है ना, ये किसका बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है, याद रखना। उसके बाद तीसरा हमारे पास दृष्टि दोष के निवारण में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब चलो मान लेते हैं कि किसी को दृष्टि दोष हो गया, यानी आँख में दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या किसी प्रकार की भी दृष्टि दोष हो गया, तो उसके चश्मे में किसका उपयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है? तो लेंस की क्षमता को हम पी से प्रेजेंट करते हैं, और लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है 1/f, यानी पी बराबर 1/f होता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। अगर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है पूछे तो कह देना कि डायोप्टर होता है, ठीक है? तो आशा है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, और उस चैप्टर का मैं ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। फ्रेंड्स, यानी अवतल दर्पण में कोई वस्तु है, उसको हम अलग अलग दूरी पर रखते हैं, और उसका प्रतिबिंब या साइज कैसा बनता है उसके बारे में बताया जाएगा। आप ये टेबल आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, और आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेज नंबर भी आप देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और मैं बता दूँ कि इस टेबल से 2-3 नंबर का पूछा ही जाता है हर बार। देखिए यहाँ दिया हुआ है बिंब की स्थिति, और यहाँ दिया हुआ है, देखिए बिंब की स्थिति, बिंब का मतलब वस्तु, यानी वस्तु को हम दर्पण के सामने कहीं रखते हैं वही स्थिति हुआ, और यहाँ है प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का मतलब यानी छाया, फोटो, और अंग्रेजी में कहे तो इमेज, यानी हम कहीं अगर बिंब को रखते हैं, यानी वस्तु को रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ है प्रतिबिंब का साइज, यानी किस साइज का बन रहा है, छोटा बन रहा है या बहुत बड़ा बन रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, या वास्तविक या आभासी तथा सीधा बनेगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बिंब की स्थिति में है फ्रेंड्स, बिंब यानी वस्तु, अगर वस्तु अनंत पर रखते हैं, यानी बहुत दूर, इन्फिनिट, है ना, यानी बहुत दूर रखते हैं दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा वो फोकस एफ पर, यानी मुख्य फोकस, एफ जो है मुख्य फोकस पर रहेगा, ठीक है? और यहाँ प्रतिबिंब का साइज है, यानी उसका साइज कैसा होगा, देख रहे हैं, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा, वो भी बिंदु के साइज का, आप समझे किस साइज का, तो बिंदु के साइज का बनेगा अगर अनंत पर वस्तु को रखते हैं तब। अब आइए नेक्स्ट में आइए, यहां पर
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी, तो यहाँ देख सकते हैं वास्तविक एवं उल्टा। फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ बता दूं कि अगर जहाँ वास्तविक कहे तो उसके बाद जो आने वाला शब्द है वो हमेशा उल्टा रहेगा, ठीक है। और आभासी कहे तो आने वाला जो शब्द है वो सीधा रहेगा, ठीक है। अब आपकी एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, इस तरह से कि यदि किसी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि बिंब को हम यानी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो अत्यधिक छोटा एवं बिंदु साइज का चलते हैं। यहाँ पे नंबर टू की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नंबर टू में क्या है, सी से परे, सी से परे यहाँ देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ सी जो देख रहे हैं वक्रता केंद्र सेंटर, तो वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर है ना, इसका मतलब सी से परे इसका मतलब यही हुआ कि वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर। अगर हम वक्रता केंद्र से यानी कि सी से परे रखते हैं कोई वस्तु को तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो एफ यानी मुख्य फोकस तथा सी यानी केंद्र वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगा प्रतिबिंब की स्थिति यानी छाया की स्थिति। अब देखिए अगर सी से परे यानी प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे है तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो छोटा होगा। याद रखें सी से परे जब भी हम रखते हैं बिंब की स्थिति अगर रहे तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें देखिए तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति है ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ आप देख सकते हैं तो कैसा है, तो वास्तविक तथा उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ तीसरा नंबर में आ जाइए तो तीसरा नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सी पर यानी वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा है, वक्रता केंद्र पर ही रहेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा है ना, तो समान साइज का होगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। आप इसको याद रखें कहीं आपके एग्जाम में ऐसे पूछे, यदि किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं यानी दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। इस तरह से आप याद करते चले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर ले लेते हैं, सी तथा एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हम किसी बिंब को रखते हैं यानी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर, सी से परे दिया हुआ यानी वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर, ठीक है। वक्रता केंद्र से क्या होगा, थोड़ा दूर होगा। और प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, विवर्धित, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा यानी बड़ा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आप इसको याद रखें, जब भी वास्तविक कहा ना तो उसके बाद जो आने वाला शब्द है वो हमेशा उल्टा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ फिर कह रहा है कि पांचवा नंबर में देख लीजिए, एफ पर यानी किसी वस्तु को हम एफ पर रखते हैं यानी मुख्य फोकस पे रखते हैं तो यहाँ देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, तो अनंत पर यानी बहुत दूर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, बहुत दूर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर यानी इन्फिनिट, ठीक है। और यहाँ प्रतिबिंब का साइज दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, तो अत्यधिक बड़ा यानी बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। और यहाँ फिर है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। अब आइए छठा में आइए, देखिए यहाँ P तथा F के बीच कह रहा है, P यानी पोल, इसको अगर कहा जाए तो आप दर्पण का ध्रुव कहेंगे, क्या कहेंगे P को, दर्पण का ध्रुव। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर के देख ले ताकि बात यह शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए P यानी दर्पण का ध्रुव तथा F यानी मुख्य फोकस, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में किसी वस्तु को हम रखते हैं या बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के पीछे, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब का साइज कहा जा रहा है, तो प्रतिबिंब का साइज क्या है,
विवर्धित यानी बड़ा, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं बड़ा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनेगा, तो आभासी तथा सीधा। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, जब आभासी कहे तो उसके आने वाला जो शब्द होगा वो सीधा होगा, और वास्तविक कहे तो उसके बाद जो आने वाला शब्द होगा वो उल्टा होगा। फ्रेंड्स कैसा लगा है मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।